हाय दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में 3D हॉलीवुड हिंदी डबेड मूवीज़ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे देख सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो चलिए, आप अपने कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को ओपन करिए, जैसे मैं यूसी ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो इसे ओपन करने के बाद हमें सर्च बार में, गूगल सर्च बार में टाइप करना है वर्ल्ड फ्री फॉर .co वर्ल्ड फ्री फॉर .co। इस पर क्लिक करना है, सर्च करना है। देख सकते हैं पहली लिंक आई हुई है 300 MB मूवीज़ डाउनलोड www.worldfreefor.com। इसी पे क्लिक करना है हमें। अभी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मूवीज़ आ गई हैं। तो ये नॉर्मल मूवीज़ है, हमें स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज, ये थर्ड में 3D मूवीज़ है, इसी पे क्लिक करना है हमें 3D मूवीज़ पे। अब ये 3D मूवीज़ का पेज ओपन हो चुका है, पैसेंजर 3D मूवी, यहाँ पे 3D मूवीज़ हैं। चलिए मैं आपको कोई एक 3D मूवीज़ को डाउनलोड करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करता हूँ और जैसे कि पैसिफिक रिम 2013 3D मूवी हिंदी इंग्लिश डुअल ऑडियो। तो हमें इस पर क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं मोर। तो ये पेज ओपन हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं पैसिफिक रिम 3D मूवीज़ की। तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है, साइज़ की 1.5 GB है, लैंग्वेज डुअल ऑडियो। हमें स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सर्वर्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वीडियो अपलोड या फिर यूज़र क्लाउड, इन्हीं दो सर्वर्स को यूज़ करिए, क्योंकि इस पर स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है और बाकी सब पे थोड़ी स्पीड स्लो थी। जो मैं चलिए मैं वीडियो अपलोड पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे क्रिएट डाउनलोड लिंक, वेट फॉर 5 सेकेंड, 2, 1, ओके, क्लिक करते हैं। क्रिएट टू डाउनलोड, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, ये डाउनलोड आ गया है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई इसलिए मैं कैंसिल करता हूँ। अब आपको करना क्या होगा कि आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा, और सर्च बार में टाइप करना होगा 3D प्लेयर और स्क्रॉल डाउन करना होगा थोड़ा सा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईजी आरबी 3D प्लेयर, इसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, 2 MB का है सिर्फ। चलिए इसे ओपन करता हूँ। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है और इसके लिए आपको एक 3D ग्लास चाहिए होगा, क्योंकि बगैर 3D ग्लास के आप इसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में 3D ग्लास की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप इजली अपने घर में ही इसे बना सकते हैं। मैंने उस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ वीडियोज़ ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पर मैड मैक्स 3D में है, पैसिफिक रिम है 3D में। चलिए मैं एक मूवी को ओपन करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे आप राइट में देख सकते हैं 2D और 3D का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ सिंपली 3D पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये 3D में हो गया। आप यहाँ से राइट में ये अप डाउन करके इसका 3D इफेक्ट ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए देखिए, ये अभी 3D में आप जब 3D ग्लास लगाएंगे तो इसका फुल इफेक्ट आएगा। यहाँ से आप अपना ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।